वाराणसी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का वाराणसी दौरा। तो कांग्रेस महासचिव ने सत्संग में लिया हिस्सा, यहां आकर मुझे खुशी हुई। तो सत्संग में शामिल होते हुए ये तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे खुशी हुई है, संत निरंजन दास से मुझे दिल से लगाव है। तो रविदास जी ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म, जात धर्म नहीं देखा जाता, इंसानियत देखी जाती है। जो सच्चा धर्म होता है वो कभी बैर नहीं कर सकता, सच्चा धर्म कभी भी लोगों को तोड़ नहीं सकता है। तो इन तमाम बातों के जरिए जहां पर वो रविदास जयंती की भूमिका को याद करती नजर आई, तो साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं विरोधी दलों को अपनी जवाब देने की भी कोशिश की। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, तो गजब का उत्साह जो है मंच पर मौजूद तमाम लोगों के बीच देखने को मिला। तो साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि सच्चा धर्म कभी भी लोगों को तोड़ नहीं सकता है। तो रविदास जयंती की जो भूमिका रही है उन भूमिका को याद करते हुए ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो वाराणसी दौरे पर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तो इस दौरान उन्होंने जिस तरह से सत्संग में हिस्सा लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे खुशी हुई। संत रविदास जी ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म था, सच्चा धर्म है, और उस धर्म को धारण करते हुए उसको आप निभाते हैं। वो एक सरल धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता, किसी की जात नहीं देखी जाती, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। और वो सच्चा धर्म जो होता है, जब आप दिल में उस धर्म को धारण करते हैं, तो आपके दिल में, आपके मन में दया का भाव, करुणा का भाव, सच्चाई का भाव और सेवा का भाव, इसीलिए वो सच्चा धर्म कहलाया जाता है। जो सच्चा धर्म होता है वो कभी बैर नहीं रख सकता, कभी लोगों को अलग नहीं कर सकता, लोगों को तोड़ नहीं सकता। उसका स्वभाव यही होता है कि आपके मन को शीतल बनाता है, आप में करुणा जगाता है और लोगों को आपस में भाइयों की तरह, बहनों की तरह जोड़ता है। तो मेरे आने से जब मैं बैठी थी तो मैंने सुना जो वक्ता थे वो कह रहे थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस देश में सच्चा धर्म कायम रखा है और इसके पीछे ना कोई राजनीति है, ना कोई मकसद है। ये वो धर्म है जो रविदास जी, संत रविदास महाराज जी ने सिखाया कि सबकी सेवा होनी चाहिए, सबको अन्न मिलना चाहिए, सबके सर पर छत मिलना चाहिए, और रोज रोज आपका समाज इस धर्म को निभा रहा है।